स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट है वह बड़े दिनों से परेशान कर रहा था, बिग थिंग बिग थिंग बिग थिंग नाम से बार बार मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी चीज़ें, तो यहाँ पर जो है फाइनली पता चल चुका ये बिग थिंग क्या थी। तो यहाँ पर जो फ़ोन है जो फ्लिपकार्ट हमारे लिए लेके आया है एसुस के साथ, वो है एसुस का ज़ेनफोन मैक्स एम, जो बेहतरीन वाकई में यार आप लोग भी एग्री करेंगे प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ये फ़ोन जो है वाकई में एक बिग चीज़ है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ उन चीज़ों के बारे में जो कि इस फ़ोन को जो है बहुत बेहतरीन बनाती हैं, वो रीजंस, पांच ऐसे रीजंस जिनकी वजह से आपको इस फोन को खरीदना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। यहाँ पर ये जो फोन है एसुस का ज़ेनफोन मैक्स एम वन, इसके यहाँ पर तीन वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें जो पहला वेरिएंट है वो है 3GB 32GB वाला जो कि आपको मिलता है 11,000 रुपये में, 4GB 64GB वाला है जो कि आपको मिलता है 13,000 रुपये में, और साथ ही साथ यहाँ पर एक 6GB रैम वाला वेरिएंट भी है जिसमें आपको स्टोरेज तो 64GB से मिलती है लेकिन यहाँ पर जो है आपको मिलता है फ्रंट का कैमरा थोड़ा बड़ा हुआ, यानी मैं आमतौर पर 8MP का कैमरा इसमें फ्रंट का है लेकिन इस वाले 6GB रैम वाले वेरिएंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, वो आपको प्राइसिंग करता है आपकी 15,000 रुपये। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो रीजनेबल है। तो यहाँ पर जो है अब इसके साथ ही इन सभी में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि यहाँ पर जो है एसुस का ज़ेनफोन मैक्स एम वन सबसे ज़्यादा चीपेस्ट 11,000 रुपये में, स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर वाला सबसे चीपेस्ट कमर्शियली अवेलेबल स्मार्टफोन। तो यहाँ पर ये सबसे बढ़िया रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है एसोसी वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636। तो यहाँ पर आपको शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो मिलता है जो कि 14,000 का पड़ता है, लेकिन अब आप जो है यहाँ पर 11,000 रुपये में इस एसोसी को ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो जीपी है वो एडिनो का 509 है, ऑब्वियसली 636 के साथ आपको एडिनो 509 जीपी मिलता है। तो यहाँ पर 11,000 रुपये में आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस को प्रॉमिस करता है ये स्मार्टफोन। तो यहाँ जो अगला रीज़न है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो फ़ोन जो लेटेस्ट एंड्रॉयड पे आपको मिलता है जो कि है एंड्रॉयड 8.1 ओरियो, हालांकि ये आपको नोट 5 प्रो में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये फ़ोन जो है स्टॉक एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के साथ आपको मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर पर्क की बात ये है कि यहाँ पर मतलब अच्छी बात ये है कि साथ ही साथ ये फ़ोन आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ, जो कि पर्सनली मैं काफ़ी जो है कंसीडर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है MIUI, यहाँ पर फन टच OS, यहाँ पर टच वेस सैमसंग की, खैर वो थोड़ी बहुत ठीक भी लगती है लेकिन यहाँ पर बाकी के जितने भी कस्टम UI होते हैं ना वो बिल्कुल बेकार लगते हैं, यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल यार ये फ़ोन जो है सॉफ्टवेयर के मुकाबले ये फ़ोन सॉफ्टवेयर में भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ हम यहाँ बात करें 11,000 रुपये में आपको डुअल कैमरा सेटअप भी मिलता है, यहाँ पर आपको अच्छा SoC के साथ साथ यहाँ पर पीछे बैक में डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है, फ्रंट में भी आपको एक 8MP का कैमरा मिलता है, यहाँ पर रियर में आपको 13+5MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है क्योंकि इस प्राइस रेंज में Xiaomi का Redmi Note 5 जो है वो आपको मिलता है जो कि पीछे बैक में कोई 13MP का कैमरा आपको देता है और डुअल कैमरा खैर वहाँ नहीं मिलता है आपको। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पर जो डुअल कैमरा सेटअप है वो भी एक बड़ा अच्छा रीज़न है यहाँ पर इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए। तो फिर अगले रीज़न की बात करें वो है यहाँ पर इस फ़ोन की बैटरी, कोई मतलब डाउट ही नहीं है कि यहाँ पर ये जो बैटरी है वो है 5000 mAh की, यहाँ पर आप किसी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लीजिए वो भी आपको इतनी mAh इतने पावर वाली बैटरी नहीं देता। तो यहाँ पर जो है 5000 mAh यानी 1000 mAh ज़्यादा बैटरी आपको मिलती है Redmi Note 5 Pro से, और डेफिनेटली ये फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको बहुत अच्छा देगा, तो यहाँ पर आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी लंबे समय तक आपको ये बैटरी बैकअप दे देगा, ऑब्वियसली यहाँ 5000 mAh की बैटरी मायने रखती है। तो फ्रेंड यहाँ जो लास्ट रीज़न है, फिफ्थ रीज़न, वो है डेडिकेटेड सिम स्लॉट। आफ्टर ऑल यहाँ पर इंडिया में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यहाँ पर अगर आप 3/32 वाला खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको 32GB की जो इंटरनल स्टोरेज है थोड़ी बहुत कम पड़ जाती है। तो यहाँ पर डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखिए, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आप डेडिकेटेड सिम स्लॉट में आप दो सिम के साथ यहाँ पर एक माइक्रो SD कार्ड को भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई लोचा नहीं आता, आप दो सिम कार्ड डालेंगे या एक सिम कार्ड एक मेमोरी का माइक्रो SD कार्ड डालेंगे ऐसा कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है जो कि इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड ये थे वो पांच रीजन जो कि आपको इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए बिल्कुल मतलब मजबूर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रीजंस है ना वो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि 11,000 रुपये लीस्ट वाला सबसे लीस्ट वर्जन वाला भी देखेंगे अगर आप फ़ोन, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर आपको 636 मतलब फ्लैगशिप मतलब मिड रेंज में जो आपको लेटेस्ट प्रोसेसर है वो आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कराई जाती है, यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट कराया जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब कोई यहाँ पर मतलब ऑप्शन बचता नहीं है कि फ़ोन को ना ख़रीदा जाए, यानी मतलब आप बाकी तो यार आप लोगों की मर्जी है, मैं भी कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपको रीज़न दी क्या चीज़ इसमें अच्छी थी जिसकी वजह से आपको इस फोन को खरीदना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को आप लाइक कीजिए,
साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही ब्राउन मिल गई बेलाइक से तुम्हारे कोई जब कोई नई वीडियो बनोगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, मिस भी मत किया करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग टाइप वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।